Hey yo, what's up guys? Welcome back to Hogwarts Gaming. तो क्या हाल चाल है आप सभी का? सो दोस्तों, फाइनली एक गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि Tencent कंपनी चाइना से सिंगापुर में शिफ्ट हो रही है. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि PUBG अनबैन कब होगी. तो दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि जो PUBG कॉरपोरेशन है वो जियो के साथ डिजिटल पार्टनरशिप कर रही है. तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या सच्चाई है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और घंटी भी दबा देना जो नए आए हैं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने PUBG से 70 क्वेश्चंस की क्वेरीज पूछी थी और उसको टाइम दिया था 3 वीक्स का. अगर दोस्तों हम बात करें बैन होने के टाइम की, तो बैन हमारी PUBG हुई थी 2 सितंबर को. तो उस हिसाब से हमारे 3 वीक होते हैं 22 को, जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है. लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें कि PUBG ने जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी थी, अगर हम उस टाइम से लेकर चलें 3 हफ्ते, तो हमारे पास अभी 1 हफ्ता पड़ा है ऑलमोस्ट. तो आप इस मंथ के एंड तक लेकर चलिए कि हमें कोई ना कोई ऑफिशियल न्यूज़ मिल सकती है देखने के लिए. तो इंटरनेट पर आर्टिकल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ देखने के लिए दोस्तों PUBG के जो ऑफिशियल पेजेस हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, या PUBG कॉरपोरेशन की वेबसाइट है, आप उन्हें चेक करें. आर्टिकल तो बहुत हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके अकॉर्डिंग PUBG कॉरपोरेशन वाले जियो से डिजिटल पार्टनरशिप कर रहे हैं इंडिया में इसे अनबैन करने के लिए. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पर भी तो सीधा चलते हैं आर्टिकल की तरफ. दोस्तों, आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप खुद से जाकर भी इसे पढ़ सकते हैं. तो आर्टिकल से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर ये भी वायरल हो रहा है कि PUBG जो है 24 को अनबैन हो जाएगी. दोस्तों, ये वाली जो न्यूज़ है वो एकदम फेक है, इसका कोई भी ऑफिशियल सोर्स नहीं है. तो चलिए ये देखिए, ये है हमारा आज का आर्टिकल. तो सबसे पहले तो इस आर्टिकल में लिखा है कि PUBG अनबैन जब हुई थी इंडिया में, उसके बाद से वो इंडिया में एक पार्टनर ढूंढ रही है अपना इसे अनबैन करने के लिए. उसके बाद से दोस्तों PUBG कॉरपोरेशन ने अपनी Tencent से फ्रेंचाइजी भी वापस ले ली थी इंडिया के लिए. तो यहाँ तक तो ये था इस आर्टिकल में. तो आगे क्या है, तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं इसके बाद. सो दोस्तों, मीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ब्लू होल कंपनी है वो इंडिया में कंपनी ढूंढ रही है इसे अनबैन करने के लिए. तो वो कौन होगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि जो पेटीएम फर्स्ट गेम कंपनी है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन वो उसकी ऑलरेडी राइवल कंपनी है जो कि फ्री फायर के साथ अपना कोलैब ऑलरेडी कर चुकी है. तो उसके बाद उनके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो बचता है वो है रिलायंस जियो का. सो इसमें दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार जो रिलायंस कंपनी है उसे शायद PUBG का लाइसेंस मिल जाए इंडिया में, और फिर ब्लू होल के साथ मिलकर वो इसे अनबैन करके अपना रेवेन्यू शेयर जो Tencent के साथ करती थी ब्लू होल कंपनी, वो अब रिलायंस जियो के साथ करेगी. पर दोस्तों, इसके रिलेटेड दोनों कंपनीज ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, ना ही कोई ऐसा क्लेम करा है. लेकिन दोस्तों, मुकेश अंबानी ने स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने जियो का फाइबर सेट टॉप बॉक्स निकाला है जो कि सपोर्ट करता है गेमिंग कंसोल को. सो दोस्तों, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रिलायंस कंपनी है वो PUBG के साथ मिलकर PUBG का लाइसेंस इंडिया में ले सकती है और इसे अनबैन कर सकती है. तो लास्ट में इसमें लिखा है कि हो सकता है कि हमें अगले मंथ जो है वो PUBG देखने के लिए मिल जाए. इंस्टेंट ऑफ Tencent लोगो जो मेन स्क्रीन पर आता है दोस्तों, उसकी जगह पर अब रिलायंस का लोगो आया करेगा अगर ऐसा हुआ तो. बाकी दोस्तों, अभी इसका कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है, ये एक जस्ट आर्टिकल है. तो ऐसा हो सकता है सूत्रों के अकॉर्डिंग. सो बाकी दोस्तों, आपको वेट करनी होगी थोड़ी आगे देखने के लिए कि क्या आता है. आपको इस मंथ के लास्ट तक कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल सकता है. सो अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और घंटी भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था. होप करता हूँ आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में.